एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीएस लवर्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स देखा था। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है CSX बॉक्स मॉडल। सो ये बॉक्स मॉडल क्या होता है? तो उससे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली जब भी आप CSS में कोई एलिमेंट डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है। तो जब भी आप एक एलिमेंट को डिक्लेयर करते हो CSS में, तो पहली चीज़ होती है हर एलिमेंट आपका एक रेक्टेंगुलर शेप लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी जो शेप होती है या उसका जो साइज होता है, वो हम विड्थ, हाइट या मिन विड्थ या मिन हाइट डिस्कस सॉरी मिन हाइट विड्थ डिसाइड करती है। तो ये आपके ये हो गया। उसके बाद उसमें अगर आपने विड्थ हाइट कुछ नहीं डिक्लेयर किया है, तो कॉन्टेंट डिसाइड करता है कि उसका क्या विड्थ और हाइट होगी। नेक्स्ट होता है पैडिंग। पैडिंग क्या करता है? पैडिंग इस एलिमेंट की जो रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, अगर हम विड्थ और हाइट नहीं दे रहे हैं, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको शेप करता है, और फिर जो पैडिंग होता है वो उसको इम्पैक्ट करता है। फिर एक चीज आती है बॉर्डर। बॉर्डर में भी सेम होता है कि हमारा जो भी हमने साइज डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, बॉर्डर उसको भी इम्पैक्ट करेगा। और लास्ट में आता है मार्जिन। अगर हम एक बार साइड में रख देते हैं इम्पैक्ट की बात, तो जब भी आप कोई एलिमेंट बनाते हो CSS में, डिक्लेयर करते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हो। आपने एक शेप डिक्लेयर करी, अगर आप और वो रेक्टेंगुलर बनेगी अगर आपने कोई विड्थ और हाइट नहीं दिए। अगर आपने विड्थ और हाइट दिए तो वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, उसके अंदर कोई कॉन्टेंट होगा। अगर आपने पैडिंग डिक्लेयर किया तो पैडिंग होगी, अगर आपने बॉर्डर डिक्लेयर किया है तो बॉर्डर होगा, अगर आपने मार्जिन डिक्लेयर किया है तो मार्जिन होगा। अब कैसे बॉक्स मॉडल से ये चीज़ें रिलेटेड है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक कोड लिखती हूँ। तो मेरा कोड है, पहले मैंने एक डिफ लिया, उसके अंदर मैंने लिखा हेलो, ये मेरा HTML है हूँ, तो मैंने लिखा डिव। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी विड्थ डिफाइन करती हूँ। तो मैंने इसकी विड्थ दे दी 200px। अब मैं इसकी हाइट नहीं देती, मैं दूसरी चीज़ क्या करती हूँ, इसमें पैडिंग ऐड कर देती हूँ। तो पैडिंग मैंने ऐड करी है 10px ऑल डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। अब जब ये जो डिव ब्राउजर पे आएगा तो ये कैसे आएगा, तो आपका ये हेलो आया और ये जो हाइट इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो गई, और ये ब्लैंक स्पेस है। ये ब्लैंक स्पेस क्या है, हमने कहा था कि ये जो मेरा डिफ की विड्थ होगी वो 200 होगी, शायद ये टेक्स्ट जो है वो 150 में ही खत्म हो गया, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये 50px की बची। तो ये हमारा डिफ बना विड्थ के साथ, इस विड्थ के साथ। अब सेकेंड प्रॉपर्टी थी पैडिंग की 10px, तो यहाँ पे एक 10px की पैडिंग भी एड होगी, ठीक है। तो ये आपकी 10px की ये पैडिंग आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, 10, 10 और ये भी 10। अब एक चीज करते हैं, ये जो हमने ये जो बॉर्डर बनाया था इसको हटाते हैं। ये बॉर्डर नहीं था, बेसिकली आउटलाइन थी। तो अब क्या हुआ, आपका ये ऐसे हेलो है ये, ओके सॉरी दोबारा से ड्रॉ कर दिया, ये हेलो है आपका, इतना कंटेंट है, ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है बिकॉज ऑफ 200 जो भी मेरे 10 10px की पैडिंग आ गई। अब एक्चुअली इससे हुआ क्या है, उससे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10px ऐड हो गए। तो बेसिकली ये जो आपकी विड्थ थी डिव की, अब वो सिर्फ इतनी नहीं रही है, वो ये हो गई है, ये आउटर वाली हो गई है। तो आपकी अब जो विड्थ बन रही है वो बन रही है 200 ओरिजिनल विड्थ, लेफ्ट की पैडिंग और राइट की पैडिंग। तो आपकी जो नई विड्थ आई वो आई 220। अब एक चीज और करते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, विड्थ को 200 ही रखते हैं, पैडिंग को हमने 10px रखा, और अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। बॉर्डर हमने कर दिया 1px सॉलिड, और ये हमारा, अब सेम चीज यहाँ पे होगी,
एक चीज़ जो डिफरेंस होगी वो मैं अभी आपको आपको बता देती हूँ। तो ये मेरा ये हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 200 था, ये आपका 10 था, 10 था, 10, 10। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये बॉर्डर भी ऐड किया, तो आपका जो बॉर्डर है वो ये 1px 1px ये आ गया। अब आप देखेंगे 200 की ये जो थी, ये 10 10 तो ऐड कर ही रहा था, साथ में ये 1px के जो बॉर्डर है इनको भी ऐड करेगा। तो अब आपकी नई विड्थ क्या हो गई, 10 10 + 1px बॉर्डर ऑफ लेफ्ट, 1px बॉर्डर ऑफ राइट, तो ये आपका बन गया 222। तो ये आपकी नई विड्थ है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि दो आपने विड्थ दी थी 200px, लेकिन आपकी जो ब्राउजर पे जब डिव बन रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसकी विड्थ चेंज हो रही है। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर होल लेआउट, क्योंकि आपने जो भी कैलकुलेशंस की होंगी वो 200px के अकॉर्डिंग की होगी, लेकिन जब ब्राउजर पे डिस्प्ले हुआ, बिकॉज ऑफ पैडिंग एंड बॉर्डर, ये विड्थ आपकी चेंज हो गई। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट हाइट में भी इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट लिखती 200 या 100, तो सेम होता, पैडिंग टॉप एंड बॉटम, बॉर्डर टॉप एंड बॉटम ऐड होते उस हाइट में और हाइट को इंक्रीज कर देते। तो आपका बॉक्स मॉडल यही है। बॉक्स मॉडल बोलता है सीएसएस का कि आपका कंटेंट का विड्थ या शेप का विड्थ और हाइट, पैडिंग एंड बॉर्डर कंबाइन होके आपका एक बॉक्स मॉडल बनाते हैं। अब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि अगर हम मार्जिन ऐड करेंगे तो क्या वो बॉक्स मॉडल को इम्पैक्ट करेगा? नो, बॉक्स मॉडल में मार्जिन इम्पैक्ट नहीं करता। द ओनली थिंग विच इम्पैक्ट इज पैडिंग, बॉर्डर। ये दो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और जो आपकी विड्थ और हाइट होती है उसको वो चेंज करती है, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉक्स मॉडल। अगर आप गूगल क्रोम के डेव टूल्स पे जाएंगे या फायरफॉक्स में जाएंगे तो वो आपको एक कंप्यूटेड स्टाइल टैब देते हैं टूल्स में, डेव टूल्स में। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं हर एलिमेंट की ओरिजिनल विड्थ क्या थी और पैडिंग और बॉर्डर लगने के बाद क्या आई है, ठीक है। अब इसको कैसे आपको करना है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको 200px का विड्थ दिया है और आपको पता है कि 10px उसकी पैडिंग होने वाली है, तो आप 200px डिक्लेयर नहीं करेंगे। आप इसको 20 को इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 180px। तो इससे क्या होगा, जब वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा तो वो आपका 200 ही होगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती थी। जब मैं कहती हूँ करनी पड़ती थी, इज बिकॉज अब CSS3 में आपको ये नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप अभी भी CSS3 वाली प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे, कौन सी प्रॉपर्टी अभी मैं बताती हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई पैडिंग है, बॉर्डर है, अगर है तो मेरी विड्थ और हाइट को उसमें से माइनस करें और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी माइनस करके विड्थ आएगी उसको आप अपनी CSS में लिखेंगे, सो दैट आपके ब्राउजर में करेक्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो। अब हम बात करते हैं CSS3 की, कि CSS3 ने क्या इंट्रोड्यूस किया है। तो CSS3 ने इंट्रोड्यूस किया है प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में क्या होता है, ये खुद हैंडल करता है ये सारी कैलकुलेशंस। तो इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है इसकी बॉर्डर बॉक्स और एक होती है इसकी कंटेंट बॉक्स, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, बॉर्डर बॉक्स बोलता है कि आपने जो भी आपकी ओरिजिनल विड्थ थी वही होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पैडिंग है, बॉर्डर है, कुछ भी हो, ब्राउजर उनको बिल्कुल भी बॉक्स मॉडल पे इम्पैक्ट नहीं होने देगा। मतलब कि अगर मैं यही सेम एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं बोलूँ सेम चीज कि डिव विड्थ 200px, पैडिंग 10px और बॉक्स साइजिंग मैंने लिख दिया बॉर्डर बॉक्स। तो जब ये ब्राउजर पे रेंडर होगा, ये जो डिव होगा ये आपका 200 ही होगा। पैडिंग ऐड होगी यहाँ पे, आपको एलिमेंट में यहाँ पे पैडिंग दिखेगी,
लेकिन जो ओरिजिनल विड्थ रहेगी, जो ब्राउजर पे विड्थ रहेगी वो 200px ही रहेगी। ये वाली जो पैडिंग्स हैं आपकी, ये इनको इसको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। लेकिन अब आप चाहते हैं, माइट बी देयर इज अ सिनेरियो कि आप चाहते हैं कि नहीं, लेट मी कैलकुलेट एवरीथिंग, लेट मी कीप कि जो भी मैं पैडिंग दे रही हूँ या बॉर्डर दे रहा हूँ वो मेरी विड्थ को इम्पैक्ट करें, जैसे बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो उसके लिए आप कॉन्टेंट बॉक्स प्रॉपर्टी वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल योर बॉक्स मॉडल। ये आपका बॉक्स मॉडल होता है, फिर ये आपका बॉक्स साइजिंग होता है। एक चीज और मैं बोलूंगी, ये जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है ये आजकल हर जगह यूज हो रही है। रीजन इज क्योंकि एज अ डेवलपर मैं नहीं चाहती कि मैं ये कैलकुलेशंस करती रहूं। मैं चाहती हूँ कि ब्राउजर शुड बी सो इंटेलिजेंट कि वो खुद ही हैंडल करे ये सब चीज़ें। तो इसलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है। एंड द स्मार्टनेस इज स्मार्ट वर्क इज कि आप इसे ग्लोबली डिक्लेयर कीजिए, रहते देन एक एक एलिमेंट को पिक करने से आप इससे बेटर है आप इसे ग्लोबली इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके कूल, सो ये थी आज की वीडियो एक्सप्लेन करने की। इसका कोड अगर आप करना चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं, सिंपल कोड है एक डिप, यही वाला कोड को आप कॉपी कीजिए, डेव टूल्स में जाइए और चेक कर लीजिए। वरना मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लेट मी नो कौन सा नेक्स्ट टॉपिक शुड आई पिक इन CSS। और भी टॉपिक्स के लिए मैं ओपन हूँ, बट अगर आप CSS के कुछ टॉपिक्स पिक करना चाहते हैं, आई वुड लव टू मेक वीडियोज लाइक दिस ऑन दैट। थैंक यू सो मच।